अनुच्छेद 23 दो भागों में बंटा हुआ है, या फिर हम यूं कहेंगे कि अनुच्छेद 23 में दो महत्वपूर्ण बातें हैं। एक जो बेगार प्रथा है, बेगार प्रथा, और दूसरा है इसमें मानव का दुर्व्यापार। तो इन दोनों शब्दों को हम समझ लेते हैं पहले कि इनका मतलब क्या है। बेगार प्रथा का मतलब है किसी भी व्यक्ति से बिना उसका मेहनताना दिए हुए, बिना उसको पैसे दिए हुए उससे काम करवाना। तो इस प्रकार से प्रथाएं हमारे समाज में काफ़ी प्रचलित थी। लोग, क्योंकि गरीबी थी समाज में और गरीब जो लोग हैं उनका शोषण अमीरों के लिए, या शक्तिशाली जो लोग थे, ताकतवर जो लोग थे समाज में, उनके द्वारा गरीब लोगों का लगातार शोषण होता था। इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने और बाद में समय समय पर संशोधन करके जितनी भी सरकारें आई उन्होंने इस प्रकार से व्यवस्था बनाई कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी ताकतवर व्यक्ति किसी गरीब या अभाव वाले व्यक्ति का शोषण ना कर सके, चाहे वो उसको काम लेकर के पैसे ना देने का हो। तो इसमें हम उदाहरण के तौर पे राजस्थान में एक प्रथा है सागड़ी प्रथा, जिसको हाड़ी प्रथा भी कहते हैं। इसके अंतर्गत कोई गरीब व्यक्ति है, उसको खेत में काम करने के लिए रख लेते थे और उसको केवल दो समय का या दो टाइम का खाना भर ही देते थे। इसी प्रकार से अगर हम हरियाणा और हमारे आसपास के समाज की बात करें तो एक श्री रखने की बात भी होती है कि जो यहाँ के हरियाणा के या बड़े जमींदार जो लोग हैं वो घरों में किसी व्यक्ति को श्री रख लेते हैं, तो उसमें उसको वो हर रोज़ की उसकी मेहनत या वो हर रोज़ उसने कितना काम किया उसके हिसाब से पैसे नहीं, उसको थोड़ा बहुत मेहनताना और बस खाना भर इतना ही उसको मिलता था। लेकिन अभी ये सागड़ी प्रथा, हाड़ी प्रथा और श्री जो प्रथा है ये सारी समाप्त हो गई है। और अगर इनके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति का शोषण करता है और इस बेगार प्रथा को अपनाए रखता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो ये हमने बेगार प्रथा पढ़ा। बेगार का मतलब है कि बिना पैसे दिए हुए, बिना मेहनताना दिए हुए किसी व्यक्ति से कार्य करवाना। तो ये बेगार प्रथा थी। अगला है मानव का दुर्व्यापार। इसका मतलब ये होता है कि चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चा हो, चाहे महिला हो, इनका वस्तुओं की तरह इनकी बिक्री लेन देन करना, इनकी खरीद फरोख्त करना ही मानव का दुर्व्यापार है। और इसमें महिलाओं का जो शोषण होता है वेश्यावृत्ति के माध्यम से, उसको भी इसमें शामिल किया गया है। तो हमने अनुच्छेद 23 में यही बड़ी बातें हैं कि बेगार प्रथा का अंत किया गया है इसमें, और जो मानव का दुर्व्यापार है उस पे भी इसमें रोक लगाई गई है। भी व्यक्ति जो है, मानव जो है, मानव में चाहे वो पुरुष है, महिला है, बच्चा है, कोई भी है, उसको किसी भी सामान की तरह खरीदा या बेचा नहीं जा सकता।